कल को मैं अगर मर जाती हूँ, कोई मार दिया जाता है, यही मार देती है, तो आप सब क्या करेंगे? शासन प्रशासन क्या करेगी? आप सब हमें जवाब दें। मैं भारत सरकार से भी जवाब मांगना चाह रही हूँ, मैं शासन प्रशासन से भी जवाब मांगना चाह रही हूँ कि क्या मेरे साथ ये अन्याय सही हो रहा है। अधिकारियों के पास आप गए थे? मैं अधिकारियों के पास जा रही हूँ, SSP साहब के भी पास जा रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। उन लोग का मन सा बदला हुआ है, कोई कह रहा है कि किस कौन आपको बुलाया है, कोई कह रहा है कि हमें फोन नहीं किया गया है। ये सब तमाम मनगढ़ंत बातें निकल रही हैं, जिसके द्वारा मुझे लग रहा है कि साहब अधिकारी बिक गए हैं, शासन प्रशासन सब सो रही है, सब लोग डर रहे हैं। किन्नर कोई भगवान नहीं होता जो पूजा जा रहा है, जिसको डरा जा रहा है। किन्नर आप सबके जैसे हैं, आप सबके बीच से ही हैं, वो भी किसी के लड़के हैं, बेटे हैं, इंसान है। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो परंपरा है कि उनको प्रणाम करना है, उनसे महिला थाने में एक किन्नर को एक गुट के लोगों ने पूरी तरह से पीट दिया था कुछ दिन पहले। हमारे बगल में निशा किन्नर मौजूद है, इन्हीं को कुछ किन्नरों ने मार दिया था, एक कार्यक्रम था उस दिन। की क्या घटना हुई थी और किस मामले में आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? नमस्ते आप सबको, मैं निशा किन्नर गोरखपुर से। मेरा ट्रस्ट है न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके द्वारा मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, जिसमें सर्व समाज के लिए कार्य किया जा रहा है। और मैं अकेली हूँ, जितने भी अधिकारी हैं सबसे अकेली मिलती हूँ, जाती हूँ। और टॉयलेट भी मिलता है ट्रांसजेंडर के लिए, मैं ही लड़ाई करके दिलाती हूँ। 17 मार्च को जो घटना होती है वो ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल है, जो कि महिला थाना पुरुष थाना रहता है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर सेल है, गठित हुआ है। उसमें सदस्य लोग भी हैं और अध्यक्ष जो हैं जिलाधिकारी हैं, उसमें पुरुष ही हैं, कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, जो कि ट्रांसजेंडर के काम के लिए वहाँ पे उसमें रहना चाहिए। ना ही नंदगिरी बाबा का इसमें नाम है, ना एकता जी का जो वीरेंद्र राज हैं, ना किसी का है, ना मेरा है। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, सर्व समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल के लिए मैं अधिकारी से मांग उठाई थी, जो कि मुझे 17 मार्च को समय बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि 12 बजे वहाँ पे ये कार्य शुरू होना है, उसी टाइम पे मैं पहुँचती हूँ। कुछ समय के बाद एकता जो वीरेंद्र राज हैं, जो दो बच्चों के बाप हैं और उनकी पत्नी भी है, इसके भी बाद उन्होंने अपना सर्जरी कराया है। अभी जल्द ही अगर जांच कराया जाए तो बहुत बड़ी मैटर निकलेगी। कौन सर्जरी कराया? वीरेंद्र राज। वीरेंद्र राज क्या है? वीरेंद्र राज एक पुरुष ही है, अब अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर तो सही है, ट्रांसजेंडर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, मैं भी एक्सेप्ट की हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया है, बहुत घिनौना कार्य किया है, मैं भी निंदा करती हूँ। कोई भी कहेगा कि अपना परिवार बना करके उजाड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कार्य किया और मुझे मेरे ऊपर हमला कर दिया, अपने गुरु को बुला करके अचानक से। और वीरेंद्र राज उर्फ एकता, गुरु इनकी एकता, ये क्या नाम है, किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कनकेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर, जो कि ये बंगाल साइड से आई हैं, कि कहाँ से आई हैं, दूर से आई हैं और यहाँ गोरखपुर में रह रही हैं, किस तरीके से रह रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब किसी को नहीं पता। अगर शासन इनका जांच कराया जाए तो बहुत बड़ी मैटर निकलेगी, बहुत बड़ा सुनने को मिलेगा कि ये क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। आखिर आपका आरोप क्या है, क्या कहना चाहती हैं? मेरा आरोप कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुआ है, इस चीज की जांच कराना चाहती हूँ। मैं जांच ये कराना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मेरे ऊपर ये कह रहे हैं कि ये नकली हिजड़ा है, हम लोग असली हिजड़ा है, तो मैं अपना जांच कराऊंगी। अगर शासन प्रशासन द्वारा होता है तो भी, मेडिकल से होता है तो भी, और ये लोग भी जांच कराए कि किस वजह से ये लोग कह सकते हैं कि ये असली किन्नर हैं, ये इनका भी जांच करवाया जाए शासन प्रशासन द्वारा, और मेडिकल द्वारा भी जांच करवाया जाए कि कैसे किस तरीके से कह सकते हैं कि ये असली हैं और मैं नकली हूँ। तो कंकेश्वरी नंदन उस दिन मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि वो जनाना है जो अंदर बैठा। हाँ, तो उनको इल्जाम लगाना है तो जनाना कहेंगे, पुरुष कहेंगे और कुछ भी कह देंगे। लेकिन मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि मीडिया भाई भी बोले थे कुछ कि दो पक्ष की लड़ाई है, ये दो पक्ष की लड़ाई नहीं है, मैं अकेली हूँ। उस टाइम भी मैं अकेली हूँ, आज भी अकेली हूँ और आगे भी अकेले ही काम करती रहूंगी। वो तो कह रहे हैं मैं धर्म ध्वजा लेके चल रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, तमाम अनाप शनाप
वो धर्मध्वजा तो मिला है उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि धर्मध्वजा के क्या काम होते हैं, क्या संदेश होता है, एक संत क्या करते हैं, उनका क्या काम रहता है। संत कोई मारने के लिए बने हैं? अगर संत मारने के लिए बने तो बहुत सारे संत महामुनि लोग हैं, वो तब भी मारते गाली देते, लेकिन ऐसा शोभा नहीं देता है। इन पे भी जांच कराया जाए। और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं ये, किन्नरों का कल्याण करना चाहिए। जिन्होंने महाराज, ये खुद बोले हैं कि मुझे महाराज जी बनाए हैं, ये पद दिए हैं, तो जब महाराज जी ये पद दिए हैं तो कानून लेने के लिए पद दिए हैं कि महिला थाने में जाकर के किसी ट्रांसजेंडर को अच्छे कार्य करने के लिए उसको दबाया जाए, मारा जाए, धमकाया जाए, गला दबा करके जानलेवा हमला किया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इतना दिन हो गया, शासन प्रशासन कहाँ सो रही है, कहाँ चली गई है, बिक गई है क्या? इतने बड़े बड़े लोग हैं कि खरीद लिए हैं शासन प्रशासन को, कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल को मैं अगर मर जाती हूँ, कोई मार दिया जाता है, यही मार देती है, तो आप सब क्या करेंगे, शासन प्रशासन क्या करेगी? आप सब हमें जवाब दें। मैं भारत सरकार से भी जवाब मांगना चाह रही हूँ, मैं शासन प्रशासन से भी जवाब मांगना चाह रही हूँ कि क्या मेरे साथ ये अन्याय सही हो रहा है। अधिकारियों के पास आप गए थे? मैं अधिकारियों के पास जा रही हूँ, SSP साहब के भी पास जा रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। उन लोग का मन सा बदला हुआ है, कोई कह रहा है कि किस कौन आपको बुलाया है, कोई कह रहा है कि हमें फोन नहीं किया गया है। ये सब तमाम मनगढ़ंत बातें निकल रही हैं, जिसके द्वारा मुझे लग रहा है कि साहब अधिकारी बिक गए हैं, शासन प्रशासन सब सो रही है, सब लोग डर रहे हैं। किन्नर कोई भगवान नहीं होता जो पूजा जा रहा है, जिसको डरा जा रहा है। किन्नर आप सबके जैसे हैं, आप सबके बीच से ही हैं, वो भी किसी के लड़के हैं, बेटे हैं, इंसान है। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो परंपरा है कि उनको प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना होता है, वो उनका काम है। अभी आपका क्या निर्णय है? अभी कह रहे हैं कि मैं आज से पैदल चलना शुरू कर दूंगी, मैं आज से आंदोलन करूंगी। मैं आंदोलन क्यों नहीं करूंगी? मेरा आज तक सुनवाई नहीं हुआ, मुझे जानलेवा हमला किया गया थाने में जाकर के। तो मैं आज से निर्णय लेती हूँ कि आज से मैं ना चप्पल पहनूंगी, ना किसी गाड़ी में आऊंगी जाऊंगी, मैं पैदल ही चलूंगी, मेरा पग यात्रा रहेगा। मैं कोई शौक श्रृंगार नहीं करूंगी, सिर्फ ये मेरा चोला रहेगा, जो कि सबको ये अधिकार है तन ढकने का, बाकी मैं कोई श्रृंगार नहीं करूंगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं खाना भी छोड़ूंगी, पीना भी छोड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं दबूंगी नहीं, मैं कोई समझौता नहीं करना चाहूंगी। मैं बहुत लोगों को देखी यहाँ गोरखपुर में, बहुत बड़े बड़े हिजरा समाज के लोग हैं, मुझे लेके जाते हैं अपने घर में फुसला करके, बहला करके, और उसी बीच में लोग कहते हैं कि तुम अपने फेसबुक पर पे लाइव आओ और ये कहो कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांगा जाए। और ये मुझे बहलाते इसलिए है कि वहाँ पे कहा जाता है कि निशा जी चलिए वहाँ, मंडलेश्वर आई हैं, वो कहेंगी फेसबुक पे और जनता से कि हमारे द्वारा गलती हो गया। लेकिन मैं मुझे वहाँ पे जब पहुँच जाती हूँ तो वहाँ दूसरा मैटर बन जाता है, वो लोग खुद दबाव डालते हैं कि तुम पहले माफ़ी मांगो, गलती तुम्हारी है। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि मेरे जान माल का बहुत खतरा है और आप सब इस पे ध्यान दें, इनको जांच कराया जाए, ये कहाँ से आई हैं, ये कहाँ पे रह रही हैं, कब से आई हैं, कोई काम कर रही हैं, कब से आई हैं, कहाँ से हैं, और इनका सब जांच किया जाए। जो कागजात है वो भी जांच कराए, जो प्रॉपर्टी है उनका वो भी जांच कराया जाए। भीख न मांगने वाले इतने दो दो किलो, डेढ़ डेढ़ किलो सोना चांदी और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो रंग बदल जाती हैं हर महीने, सोने का कलर बदल जाता है, ये सब क्या है? शासन प्रशासन कहाँ सो रही है? इन सब का जांच कराया जाए, देखा जाए कि किस तरीके से ये कहाँ से कमाई कर रहे हैं।